हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद है। ड्रामा सिर्फ हुमार की एपिसोड का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस एपिसोड में आप देखेंगे, पहले तो मुदस्सिर अपनी माँ और बीवी के दरमियान में फंसा हुआ है। उनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत ज्यादा टेंस है। और दूसरी तरफ हमना, जो की टेरिस पर खड़ी होकर बहुत ही खुश हो रही होती है, वो चालाक लूमड़ी जो की अपने शोहर को अपनी सास के चुंगल से निकाल कर अपने साथ बाहर ले जाना चाहती है। और उसने प्लान कर लिया है की वो किस तरीके से इन लोगों से पैसे निकलवाएगी, अपने शोहर को उनके पीछे लगाएगी और वो सारे पैसे अपने वालिद के कारोबार में इन्वेस्ट कर देगी। तो क्या वो रेहान के साथ संजीदा है या बाद में उसको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी? फिलहाल तो रेहान को कुछ भी समझ नहीं आ रही और वो अपनी बीवी के बातों में आकर अपनी माँ बाप से उलझ पड़ा है और उनसे पैसे निकलवाने की पूरी पूरी प्लानिंग कर चुका है। और उनको धमकी भी देता है कि मैं देखता हूँ कि ऑफिस जाने से मुझे कौन रोकता है और कौन मुझे पैसे नहीं देता। हमना सोच रही होती है कि उसकी सास ने उसको चालाक लूमड़ी कहा था और ये भी कहा था कि वो हरीम की तरह नहीं है, बहुत ही होशियार और चलाक है, तो मैं उनको चलाक बनकर दिखाऊंगी और उनसे सारे पैसे निकलवा कर दिखाऊंगी। तो देखते रहिए ड्रामा सिर्फ हुमार। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।